हेलो गाइस, तो आज हम आए हैं सांभर लेक, जो कि राजस्थान के अंदर है। जैसा कि आप सब जानते होंगे, आपकी जहां तक नज़र जा रही होगी, ये पूरा एक खाली मैदान ही है। और इस मैदान पे जो ये सफ़ेद जो आपको दिख पा रहा होगा, ये नमक है। और इसे सांभर झील, नमक की झील भी कहा जाता है। इंडिया का जो नमक का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो यही है। साल भर के अंदर इंडिया में यहाँ से 2,00,000 टन के करीब नमक प्रोसेस होता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। ये जो अपन खाने वाला जो डेली यूज़ में नमक लेते हैं, गाइस ये उसी की झील है। और इसके बारे में आज हम शाकंभरी माता के आए थे। ये शाकंभरी माता का मंदिर है, जो कि झील के एकदम बीच में स्थित है। और यहाँ पर चारों तरफ 20 किलोमीटर तक सिर्फ ये सांभर झील ही झील आपको दिखेगी पूरे रास्ते के अंदर। ये शाकंभरी टेम्पल के एकदम चारों तरफ आपको सिर्फ नमक की ये मैदान ही दिखा करेंगे। और चलते हैं आगे, और भी आपको दिखाते हैं आगे क्या सीन रहता है, कैसा आगे कुछ यूनिक आपको दिखाते हैं आज। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक पूरा मैदान ही मैदान है। और इस मैदान पर जो है पूरा नमक ही नमक बिखरा हुआ है। इसे सांभर झील के नाम से वैसे जाना जाता है, नमक की झील भी इसे कहा जाता है यहाँ की लोकल लैंग्वेज में। और ये शाकंभरी माता का टेम्पल है जहाँ आज हम आए हैं। तो ये सांभर झील के बीचों बीच एकदम शाकंभरी माता का टेम्पल है। और आप देख सकते हैं व्यू कितना ही ज़बरदस्त, पूरा जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक सिर्फ मैदान ही मैदान है, वो भी पूरा नमक का। ये जो वाइट वाइट आप देख रहे हैं, ये रेत नहीं, नमक है रेत के ऊपर। इसे रिफाइंड कर कर फिर काम में लिया जाता है, जो भी फैक्ट्रीज होती है। ये पूरा जो गांव है सांभर गांव, ये पूरा नमक की झील के लिए प्रसिद्ध है।